is our new video on the event organized by Mr. Narender Kumar, and we are going to shoot this video on the 2nd October. So, Narender Kumar, now we will tell you about this event, why are you doing this, and what is the event main maksad kya hai? Hello, first of all, sabhi ko jai hind. मेरा 2 अक्टूबर को बस 2 अक्टूबर में मैंने 11 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया जो कि फ्लाइंग एकेडमी की तरफ से थी. बाहर के लड़के का भी काफ़ी योगदान रहा. मेरा बस एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है नशे से दूर रहें और भाग दौड़ में फौज में जाके अपनी सेवा का जरूर लाभ दें. चलो चलो भाई, तो करते हैं स्टार्ट अपना इवेंट. ओके, बात ऐसी है, आज है 2 अक्टूबर, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती. इसके लिए हम आज आना छोटी सी मैराथन, ठीक है, सर फ्लाइंग एकेडमी की तरफ से छोटी सी मैराथन, ठीक है. आप लोगों ने फ्लाइंग नहीं करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का होता है. आप लोग मैराथन की बात है, स्टार्ट 11 किलोमीटर स्टार्टिंग में इतना मत खींचना कि आप लोगों का आगे जाके जोड़ना लगे, ठीक है. बाकी चार हो भाई आपका. ये भाई जो है सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं. भाई कैसा फील रहा फिर आज? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? क्या एज क्या आपकी? 12. ये भाई जो हमारे सेकंड आए हुए हैं, भाई क्या नाम आपका? ऋतिक कुमार. कहाँ से भाई? तुरंत से. कितने टाइम से कर रहे हैं? क्या नाम है भाई आपका? भाई ये हमारे भाई जो थर्ड आए हुए हैं, तो कैसा फील लग रहा है? कहाँ से आप? वेरी गुड. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
छोटी सी छोड़कर मैं बोलता आप लोगों को कि मेरे को ना जिंदगी में बड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा, बड़ी मुश्किल है ना मेरे को, अगर कुछ भी ना छोटी प्रॉब्लम होती तो मैं भाई को पूछता, भाई ने मेरा बड़ा ही साथ दिया, यहाँ तक कि अकेडमी बंद करने की जरूरत भी आ गई थी, तो भाई मेरे को अच्छी गाइडलाइन करते थे बिल्कुल, इसको बोलते ना पैसों से लेकर हानि तक, अगर छोटी सी प्रॉब्लम हो भाई मेरी बड़ी हेल्प करते, आज मैंने भाई बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पर, आप लोगों को कुछ सलाह भी देंगे, सुनना ध्यान दे सकना, ठीक है? यस सर। कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आया फैमिली प्रॉब्लम भाई से आप शेयर कर सकते हो, भाई आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है? यस सर। करो। यस सर। आप ही की तरह यहाँ लोकल धर्मशाला से एक छोटा सा आदमी हूँ, आप लोगों का प्यार है कि आज मैं यहाँ पे मतलब आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आज है क्या गांधी जयंती है? गांधी जी कौन थे किसी को पता है? हाँ जी बोलो बोलो भाई बोल, खुल के बोलने के तो वो काम है, बोलो बोलो, बोलना ही होता है हमें ना, जो हमारा मेन बेसिक होता है, जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी किसी से डरना नहीं है। आप एक बात का जवाब दे रहे हो, सबसे पहले आपने जवाब देने की कोशिश करी है तो मतलब कि आपको पता है और आपके अंदर हिम्मत है, तो आपने उन सबसे पहले बोलने की कोशिश करी है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको उस हिम्मत को बाहर निकालना है, जो हमारे अंदर हेजिटेशन होती है ना उसको बाहर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोल दोगे एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, 10 बार कोशिश करोगे, 11 बार करोगे, 12 बार करोगे, 15 बार करोगे, 20 बार करोगे, फेल हो जाओगे, फेल होने वाला ही सक्सेस होता है, जो पहली बार में सक्सेस मिल जाए वो सक्सेस नहीं है, फेल होके जो सक्सेस मिलती है मज़ा उसमें होता है, ठीक है? क्या होता है, फेल होके जो सक्सेस मिलती है उस सक्सेस का मज़ा है, डायरेक्ट सक्सेस का कोई मज़ा नहीं है, वो बंदे के ना दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर उसमें मैं आ जाती है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आपसे। जय सर। जय हिंद। चंबा। जय सर। अभिषेक अमित को। सन्नी ठाकुर फ्रॉम चंबा। जय सर। साहिल फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। निरंजन फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। अरविंद फ्रॉम चंबा। जय सर। अभिषेक डोगरा फ्रॉम कांगड़ा। शिवम कुमार फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। अंकुश भारती फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। विक्रम सिंह फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। शाह ठाकुर फ्रॉम चंबा। जय सर। राहुल फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। अनिक फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। राहुल। जय सर। संगम फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। साहिल कांगड़ा। जय सर। ऋतिक फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। विनय कुमार कांगड़ा। जय सर। दीपक कुमार फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। अंशित कुमार कांगड़ा। जय सर। लक्की फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। ऋतिक फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। प्रवीण फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। साहिल फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। अजय कुमार कांगड़ा। जय सर। करण फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। निखिल फ्रॉम कांगड़ा। जय सर। रजत ठाकुर फ्रॉम कांगड़ा। जैन सर। आदित्य फ्रॉम कांगड़ा। जैन सर। बनी ठाकुर फ्रॉम कांगड़ा। सबसे पहले आप लोगों के लिए खुद के लिए ताड़ियां भाई। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, आज से 3 दिन पहले 29 सितंबर था, किसी को पता तब क्या था? भगत सिंह की जयंती। हमें कोशिश करनी है कि अगली बार से हम 29 सितंबर को भी इकट्ठे हों, ठीक है? मुद्दा क्या है कि हम लोग हैं यूथ, हम युवा हैं, हमें सोचना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको फॉलो करना है। आप लोग फौजी हो, गांधी जी का क्या वो था जो मेन उनकी लाइन थी कि अहिंसा परमो धर्म, है ना? तो आप लोग फौजी हो, शायद आप इस लाइन को फॉलो ना कर पाओ, फौजी शांत हो जाए तो फिर वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, फौजियों का खून तो खोलता रहता है, तो जो फौजी इकट्ठे होने चाहिए वो कोशिश करनी है 29 सितंबर को होने, ठीक है जी? बाकी कुछ नहीं है, समय की बात है, हमें सिखाया यह गया कि हमें सिर्फ 2 अक्टूबर मनानी है। मैं आपको किसी उसके लिए डीमोटिवेट नहीं करूँगा कि हम आज इकट्ठे हुए हमें नहीं होना चाहिए था, हमें रोज़ ही इकट्ठे होना है। युवा है, हर दिन युवक होता है, आज आपका, कल आपका, परसों आपका, चौथा आपका, ठीक है? तो मेन होता है कि हमें उस बंदे को फॉलो करना है जिसका खून खोलता है, ठीक है? जिसको आपका भी खून खोलेगा और उनका भी खून खोलता था। मैं समझ रहे हो जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी बात कर रहा हूँ मैं।
भाई 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 ये मत करो यार, बूढ़ा बनाओगे मेरे को। तालीम जाते जाना। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बस। ऐसा खून होना चाहिए सभी का। जय सर, थैंक यू सर। मारता हूँ मैं, लेकिन आज मैं
उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने मुझे बोला तू कभी नहीं दौड़ सकता। आज मैं उससे बताता हूँ, देख वो मेरा मोमेंट है, फर्स्ट आया हूँ मैं, वो तेरी वजह से। अगर तूने मुझे उस दिन नहीं बोला था ना भाई तू कुछ नहीं बनेगा, तो मैं कुछ नहीं बनता। उसने मुझे बोला तू कुछ नहीं बनेगा, मेरे अंदर आग जागी। उसने बोला तू कुछ नहीं बन सकता, ना मेरा वेट है ना मेरी हाइट है। आर्मी मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इंडिया के लिए गोल्ड लाना चाहता हूँ। गोल्ड लाऊंगा तो गोल्ड लाऊंगा लाऊंगा जैसे मर्जी हो। थोड़े दिन पहले हम पहाड़ी के लिए दौड़े, मैं और मेरा दोस्त, हमने डिसाइड किया कि हम पहाड़ी में दौड़ेंगे। पहाड़ी के लिए दौड़े, रास्ते में एक लड़का एक आदमी मिला, उसने गांव में आया, उसने सबको बोल दिया। वो दो लड़के गए, दोनों भांग मार मलने बैठ गए, लेकिन मैं नहीं हारा। मैं फिर अगले दिन गया, उसे मैंने बाई पकड़ा, मैंने तू बोल क्या कर रहा है, तूने बोला कैसे हम भांग मार ले यार, साथ में चल तेरे को बताते क्या कर रहा हूँ मैं, साथ में चल। उसने फिर नहीं बोला, आज तक उसने कभी नहीं बोला मुझे भांग मारता। मैं आज दौड़ता हूँ, पहले सोचते आती हूँ, आज मैं सोचते आज पहले नंबर पर पहुँचता हूँ। ये मेरा जुनून है, क्रेज है मेरा, रनिंग के लिए क्रेज है, जो खाना है खा लो रनिंग के लिए क्रेज। और मेरे को इतना जुनून नहीं था आर्मी में जाने का, मैंने प्लस टू की मेरे पापा ने बोला चला आ जा धर्मशाला, पापा ने बोला आर्मी में जाना है, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा जुनून आया। एक मंथ हुआ, बोला कि ऐसा नहीं वो अच्छा, सर ने बोला कि अच्छी दौड़ लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा क्रेज आया, फिर मेरे को खुद क्रेज आया कि मैंने दौड़ लगानी है, भर्ती होना है, देश के लिए कुछ करना है। फिर धीरे धीरे मोटिवेट होता, देश का भी मोटिवेट किया कि ऐसे तुम्हें बेटर करना तुम्हें धीरे। बोलो बोलो, कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी जैसे हो, बस एक ही मोटिवेट है कि भर्ती होना, बस भर्ती होना। बस मेरे क्रेज किसी चीज़ के लिए, बस आर्मी में ही ये क्रेज है, बस आर्मी में जाना तो जाने जाना बस। थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली मेम्बर मतलब मेरी माता है और भाई है, मेरी माता एग्रीकल्चर में मतलब कृषि का काम करती है, खेती बाड़ी का, और मेरा भाई गाड़ी चलाता है, और मेरा बचपन मतलब मेरा मतलब आर्मी में मतलब बचपन से ही मतलब अपने सही है मेरा टारगेट आर्मी में होगा, बाकी और मतलब किसी भी चीज़ में मतलब जब कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई लव यू। मेरा नाम विशाल ठाकुर है, मैं चंबा से हूँ, बस मेरा भी सपना है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। सर मैंने प्लस टू बात की, उसके बाद में मेरा एक मंच लगता है धर्मशाला में रहता है ना, तो उसको बोला कि मेरे साथ आ जाओ वहाँ पर अकेडमी है, सर से मैंने बात की, मेरे को दो महीने हुए अभी यहाँ आए हुए, बस मेरा ही ये एक सपना कि मैंने आर्मी में जाना है तो जाना है सर, और कुछ नहीं है। आई एम फ्रॉम चंबा सर, मैंने प्लस टू की सर पिछले साल तो मैंने सर आई टी आई की, इसके बाद आई टी आई सर, उसके बाद सर यहाँ धर्मशाला में आ गया सर, इसके बाद मैंने अकेडमी ज्वाइन की, ट्रेंथ तो सर वो भर्ती हो गया ना मेरा, तो जुनून आ गया थोड़ा। मैं एक बात ऐसी बोल रही सभी ने जिससे मोटे, ठीक है आप कितने लड़के हुई टोटल? 25 हैं। 25 लोग एक एक 25 में से एक बोल रहा है 24 सुन रहे हैं, तो किसी 24 में से किसी एक के पल्ले घुसेगी, तो हर बंदा अपने घर में एक एक मोटिवेशन लेके जाएगा, तो हर मोटिवेशन जिंदगी में कुछ ना कुछ बना के देता है, ठीक है। तो एक एक मोटिवेशनल बात झूठ बोल दो जिससे हमें कुछ, चाहे सोच के रखो चाहे झूठ बोल दो, आपका झूठ किसी के काम आ जाएगा। मैंने आई बिलोंग टू हमीरपुर, मैंने प्लस पिछले 20 साल प्लस टू की, इसके बाद मैंने HM की, HM के बाद मैंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में मैंने ट्रेनिंग खत्म की, और मेरा एक पासपोर्ट मैं यहाँ पर, इसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने पासपोर्ट का नेशनल भी खेल कराया पिछले 20 साल में,
कर लिया है कि आर्मी में होना है, और हो के दिखाऊंगा। जुनून है सर, इंडियन आर्मी में जाने का 16 साल की उम्र सारी की सपना है आर्मी में जाने का, लेकिन मेरा कोई सपना नहीं आर्मी में जाने का, सेम ही। लेकिन कुछ बात जो पिंच कर जाती है, पिंच कर जाती है एक बंदे को, वही है अब जुनून भी है, सपना भी है, और आर्मी में जाऊँगा, बंदों को दिखाऊँगा कि आर्मी में सर। मेरा नाम अभिषेक डोगरा है, मैं दरीनी से रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं। पापा का ड्रीम है कि मतलब अभी तक हमारी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं गया, तो पापा का ड्रीम है कि वो हमारा कोई आर्मी में जाए। पापा ने भी ट्राई किया था पर हाइट में वो रह गए, तो इसलिए इस बार मेरी हाइट ठीक है। हमारी फैमिली में मतलब सभी हाइट के अकॉर्डिंगली छोटे हैं, तो मेरी हाइट ठीक है, तो पापा मुझे पूछ सकते हैं कि नहीं बिल्कुल जाए। तो अभी इधर आके मेरा जो मोटिवेशन है वो हो रहा है कि नहीं मैं जाऊँगा यहाँ जी। हाँ, अभी यहाँ एकेडमी में आने के बाद सर, मैं ग्रेडी से हूँ। सर मेरे घर की कंडीशन जो है उतनी अच्छी नहीं है, तो सर मेरे गांव से भी कोई भी आर्मी में नहीं है, और इसलिए घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, तो सर मेरा सपना भी आर्मी में जाने का है, और गांव से भी कोई भी आर्मी में नहीं है, तो इसलिए सर मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम शिव कुमार है, मैं शाहपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरे को फर्स्ट बैच जब से दौड़ता है मैं तब से मतलब इन्हीं इसी बैच के साथ हूँ। स्टार्टिंग में मैं और मेरा दोस्त रनिंग करते थे तो यहाँ तक ही पहुँचते थे जो बड़ा मोड़ है वहाँ तक, फिर धीरे धीरे मैंने और दोस्त ने इम्प्रूव की। उसके बाद हमें स्टैंड सर ने किया, छोटी छोटी बातें सिखाई, और सबसे पहला मोटिवेशन मुझे मेरे गाँव के लड़के से मिला, एक कुशल नाम है उसका, हर बार मेडिकल में रहता था, इस बार फॉरेस्ट में हुआ। बंदे में इतना क्रेज था कुछ हो, सर उसी ने जगाया। भले ही उसने एक हफ्ता ही प्रैक्टिस करवाई पर वो प्रैक्टिस थी, दम था उसमें बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। भले ही सर आज मैं कहीं पोजीशन ना ले सका हूँ पर दुख नहीं है मेरे को, क्योंकि जोर पूरा लगा था। डॉक्टर ने वैसे ही मना किया था सर, तो नहीं लेकर ले गया था। इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ जा रहा था, फिर मैंने मामा को भेज दिया। रोना नहीं सर, इमोशनल ही हो जाता, मेरे को सच्ची दुख नहीं है, क्योंकि जितना जोर था मैंने लगाया और मेरी होती ले जाता हूँ की पोजीशन, ये नहीं पोजीशन मैटर नहीं करती, जोर मैटर करता है। मैंने सबसे पहले आते हुए क्या बोला था कि जो आपको आते ही सक्सेस मिल जाएगी ना, जो आते ही सक्सेस मिल जाएगी वो सक्सेस सक्सेस नहीं है, सक्सेस होती है जो धक्के खाने के बाद आती है। ये बात आपको आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद पता लगेगी, जब आप बन चुके होंगे और मेरी तरह भी बड़े लोग बन गए होंगे। मेरी बात नहीं भाई, आप लोगों को किसी भी तरह बोलने की, ठीक है, मगर वैसे बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिंदगी में कुछ बनना है ना तो सबसे पहले हारना सीखो और उस हार को मानना सीखो। इस बंदे के लिए ताड़ियाँ मारो सारे पूरे जोर से। जिस बंदे ने मुझे बोला है कि मैं कोई पोजीशन नहीं ले पाया हूँ, मगर मैंने अपना जोर पूरा लगाया, अपना 100% कोई दे रहा है तो उस बंदे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कल को ये बंदा उस जगह बाजी मार के जाएगा जहाँ पे उस बाजी का कोई ना कोई फायदा होगा, ठीक है। इस बंदे के लिए जितनी ताड़ियाँ मारोगे उतनी कम है, ठीक है। वेरी गुड भाई। दो दिन बाद
अपने लिए जीता है, अपने लिए जीने वाले को भी दिन में एक घंटा तो अपने शरीर के लिए देना जरूरी है ना, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि हर बंदा यहाँ पे आर्मी के लिए मोटिवेट किया जाएगा, उन बंदों को मोटिवेट किए करो जो अपने लिए जी रहे हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं शाहपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ और आर्मी में वैसे मैं आना नहीं चाहता था, पर मेरे पापा भी सीआरपीएफ में जवान हैं और सर मेरे को सर बुरा लगता है सर, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है वो नक्सल एरिया में है और सर वो घर जो है सर उनकी नज़दीक ड्यूटी कभी नहीं लगी है और सर सर मैं भी ये सोचता हूँ कि सर मैं भी आर्मी में जाऊँ और सर पापा के लिए पहली बात तो ये है कि पापा की मैं चाहता हूँ कि पापा जल्दी से रिटायर आ जाएँ घर में, कुछ टाइम भी दें, क्योंकि सर उनकी जो एज है सर वो 50 तक होने वाली है और सर मैं चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम घर में बिताएं और मैं वहाँ पे जाऊँ और जिससे कि मतलब परिवार का जो मेंटेनेंस है वो बनी रहे। सर मेरा नाम अंशित है, मैं सर धर्मशाला तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरा आर्मी में आने का कोई क्रेज नहीं था सर, पर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा की लड़ाई होगी मेरे ताऊ और ताई के साथ, वो बोलते मेरा बेटा ऐसे मेरे हमारे बेटे ऐसे और हम यार ताऊ मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे पापा टेलर हैं। सर बहुत चिल्लाते थे पापा को कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहोगे कुछ बोला, पर मेरे पापा ने करेज दिखाया कि अब तू बताएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करें वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब करके दिखाऊंगा सर, मैंने ये सोचा था मैंने गवर्नमेंट जॉब करने का। जैन सर, मेरा नाम सर अंकुश भाटी है, मैं क्रेडी से हूँ। मेरा कोई क्रेज नहीं था कि मैं भर्ती में जाना, दो भर्तियाँ लगाई हैं बिल्कुल ऐसे लुल, मतलब कोई जुनून ही नहीं, दो चार दिन प्रैक्टिस करनी कुछ नहीं बस ऐसे, फिर लोगों की बातें सुनी कि बेटा ऐसे नहीं हुआ कुछ भी नहीं होगा, मेरा मानना था कि बस दौड़ना है तो है बस जाके उधर दौड़ना है, पर उधर जाके अक्कल आई कि बेटा और जो होंगे ना वो तेरे लिए खड़े थोड़े हो जाएंगे, दौड़ना पड़ेगा ना, पसीना आएगा तभी तो कुछ बनेगा तेरा, फिर जाके बातें सुन सुन के अब अकेडमी में आए हूँ, थोड़ा और जुनून जागा है और आगे मोटिवेशन मिली है सबसे और दौड़ लगा के मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अब यही लाइन है। थैंक सर, मेरा नाम साहिल है, मैं कांगड़ा से हूँ और अभी कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ धर्मशाला में। जब मैंने ये अकेडमी ज्वाइन की तब मैं जरा भी भाग नहीं पाता था, पहले दिन जब आया तब भी लास्ट में दौड़ रहा था, लेकिन सर की वजह से ही आज मैं बीच में दौड़ता हूँ बाकी बच्चों के साथ और कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा अपना निकाल सकूँ और आर्मी में जाऊँ। थैंक यू सर। थैंक सर, हमें नाम करना है और मैं आज वाली तस्वीर से बिलोंग करता हूँ। सर आर्मी में जाने को जरूरी था पर सर घर की प्रॉब्लम होती है कुछ तो सर करना पड़ता है। सर मेरी दौड़ बिल्कुल कम थी, वो बिल्कुल नहीं थी। सर मैं यहाँ बी एस सी करता हूँ सेकेंड ईयर में, तो सर मेरे फ्रेंड्स आएगा शिवम, तो सर वो सर की अकेडमी में ज्वाइन की थी उसने, सर वो भी चंबा की भर्ती थी उसने, सर वो भर्ती हो गया है। सर मैंने भी आना था अकेडमी में, मैंने सर जॉब लेनी थी, घर वाले बोलते भी जल्दी जल्दी जॉब ले लो, घर की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, तो सर मेरे को भी आया जॉब लेनी थी। सर मैं भी फिर अकेडमी ज्वाइन कर ली इसी मंथ, तो सर दौड़ बिल्कुल मतलब नहीं थी बिल्कुल भी, तो सर अभी की है ज्वाइन तो फिर पर अच्छा पहले। जैन सर, सर मेरा नाम निखिल है सर और मैं नूपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ सर, और सर विलेज में तो सर सभी बोलते हैं कि तू आर्मी में नहीं जा सकता, तू कभी भी मतलब कुछ नहीं कर सकता सर, तो सर सभी की बातें यहाँ पे लगी है सर। सर और मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ सर मैं सक्सेस होने का, तो सर और सर मेरी दादी और मेरे घर वालों का सपना है सर कि मैं आर्मी में जाऊँ सर, तो सर मैं अपना सपना बोल रहा हूँ। जैन सर, जय सर। सर मेरा नाम लक्की है, मैं धर्मशाला तहसील से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने प्लस टू की है, आईटी की है, सर उसके बाद मैंने यहाँ पे डीसी कंप्यूटर सेंटर में सर मैं यहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल गई। हाँ सर, यहाँ पे मैंने कोर्स करता था सर, तब सर पिछली भर्ती थी चंबा की भर्ती थी सर, उसमें 2 महीने रहे थे, तब सर मतलब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे अकेडमी है धर्मशाला फ्लाइंग अकेडमी के, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करते हैं आर्मी की, तो मैंने मेरे को मतलब किसी बंदे ने बोला कि ये सर हैं ये करवाते हैं प्रैक्टिस, तो मतलब मैंने सर से पता कि मतलब मैंने मंदिर में देखे सर, फिर मैं सर के पास गया, सर से मैंने बोला सर ऐसे ऐसे आगे अकेडमी में करवाते हो तो मतलब मैंने कर लिया है सर, तब सर बोल लगे कि अब देखता हूँ मतलब थोड़े दिन के बाद बोलता हूँ सर। उसके बाद सर ने मेरे को 2-3 दिन के बाद बोला कि अभी पूरा हो गया तो मतलब तू अगले मतलब आगे नहीं हो सकता,
बहुत ज़्यादा दुख लगा कि यार मैं आगे वाली लाइन में होकर भी मतलब मैं ग्राउंड नहीं कर सका, तो फिर मैं क्या कर सकता। पर उसके बाद मैंने जब मतलब हो गई भर्ती वर्ती, मेरे मतलब फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ते थे वो सभी मतलब इतने ज़्यादा दौड़ते नहीं थे, मतलब फिर भी हो गए। वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी उनकी अच्छी थी तो हो गए। तो सर मैं अगला मतलब जब भी बैच अगला हुआ तो सर मैंने सर पता करता गया, सर अगला बैच जब भी होगा तो मेरे को बोल लेना। तो फिर उसके बाद मैंने दिसंबर में सर किया मैंने ज्वाइन। मैं तब मैंने शाम को आता था, तब मैं दिसंबर में शाम को आता था। फिर सर जनवरी में लोहड़ी के बाद सर मैंने सुबह को स्टार्ट कर दी। सर उसके बाद मतलब आता गया मेरा कलर, कभी कभी मतलब छुट्टियाँ हो जाती थी, अभी तो काफ़ी जा रही है। लेकिन सर मतलब अभी एज है, और मेरे घर वालों का भी सपना है कि मतलब इतनी ज़्यादा फैमिली हमारी है, मतलब हाई फैमिली तो है नहीं। पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, भाई मेरा आईटी करके अभी आईटी की उसने, और मम्मी मेरे बीमार रहते हैं, उनका काफ़ी अभी प्रेशन हुआ, मतलब टांग में लग गई थी। तो मतलब एक 3 महीने हुए उनको घर में बैठे हुए, तो मतलब घर में रोटी वगैरह मैं ही बनाता था, मेरा भाई करता था सब कुछ। तो मतलब ऐसा है कि घर में ऐसी सिचुएशन भी हो रही है, मतलब फिर भी घर मेरे को घर वालों ने सपोर्ट किया कि मतलब तू घर जितने पैसा लगता है तू लगा, मतलब जो तेरे को चाहिए तो उसको देंगे हम, तू बस मतलब आर्मी में होके होता। तो मैंने अब होना है आर्मी में, चाहे जो भी हो जाए, लास्ट बस दिया मेरी कुछ भी करना है, करो या मरो तेरे बस होना तो होना है। सर मैं निकली भर्ती हुई थी चंबा में, मैं रह गया था अभी अकेडमी के सर, कल था 2018 में अभी अकेडमी के लड़के हो गए थे, मैं रह गया था, मेरे को फील हुआ था अभी हो गए तो मैं रह गया। और मेरे को है भी जो थोड़ा दौड़ रहे थे करूँ ग्राउंड, एक बार क्लियर है मेरी सी एस एफ की। थैंक यू सर, मैंने अभी ठाकुर है पापा की स्कूल की सर, मेरा तो क्या मतलब मेरा एक ही है कि मतलब अपने घर वालों के पैसे जो कि कितना बार मैं मतलब खर्चा कर लूँगा, मतलब खर्चे आ रहे हैं, आती भी है, मैं ट्यूशन फाइन ले रहा है मेरा। तो घर वाले बोलते कि हम करेंगे जितना मर्जी करेंगे, वो कभी बोलते नहीं, पर एक खुशी होती है कि मतलब अपने पेरेंट्स कुछ स्टैंड होंगे। कई बार घर वाले कुछ बोल देते कि मतलब तुम कितना ये करते हो, तुम अपनी मेहनत से कभी तुमने कुछ किया नहीं, तुम कुछ करो, तो एक बार ये कुछ करके दिखाना। सर मेरा नाम रिक्की और मैं जादव सिंह, और सर जो सर मेरे पापा आर्मी रिटायर है, वो तो मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि आर्मी में ऐसे नहीं ऐसे जाना है ऐसे ऐसे। और सर मैं सुबह यहाँ पर अकेडमी आता हूँ, उसके बाद सर घर में जाकर सर रेडी होना, उसके बाद कॉलेज चला जाता हूँ सर सीधे, वहाँ पर स्पोर्ट्स की तैयारी, और फिर वापस घर में आना। फिर ये होता है जैन, मेरा नाम आदित्य है और मैं वीर बिलिंग से हूँ। मेरे आर्मी में जाने की दो ही वजह हैं, एक तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन, पापा का एक कैफे छोटा सा वहाँ पे, मतलब मैं उनके साथ दिन में सुबह 6 बजे चला जाता हूँ और फिर लंच पे आता हूँ 11-12 बजे और फिर से चला जाता हूँ 3-4 बजे, और रात के कई बार 10-11 बजे तक भी वहाँ काम करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, सर्विंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और मतलब ना दौड़ने के लिए टाइम ना कुछ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी, वहाँ पे हेल्प करानी पड़ती है उनके साथ, और उसके लिए मैं आर्मी में होना चाहता हूँ ताकि घर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सुधरे। और दूसरी बात, मैं आर्मी में इसलिए भी होना चाहता हूँ कि मतलब एक फीलिंग लेना चाहता हूँ, एक जज्बा लेना चाहता हूँ कि बस मतलब करो, मतलब मार के आना चाहता हूँ भाई किसी को, बस मरो या मारो, बस या तो तिरंगे में लिपट के आना चाहता हूँ या तो मार के आना चाहता हूँ, बस एक मतलब एक जुनून होता है ना, मतलब एक बार एक फील लेना चाहता हूँ बस आर्मी के अंदर जाकर, बस वही है। इसलिए मैं इस अकेडमी में आया, फिर अभी मेरी BSc केमिस्ट्री हुई है अभी इसी ईयर, और बस अभी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, बस यही है। जय हिंद सर, पहली बात तो मैं वेट कर रहा था कब से मेरे को मौका मिलता है, क्योंकि इसमें है सर आपने जैसे बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, और एक्चुअली आपको पता होगा आने वाले टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग आने वाली है, जो MBA में भी अब चैप्टर आ गया है। तो मैं एज ए कंपनी में TL वर्क करता था, तो मैं छोड़ के आ गया था क्योंकि मेरे को पता था मैं CFL जो गो डैडी से प्रो पार्टनर है, तो जो आपको पता ही वो गो डैडी जो मतलब कंपनी मतलब डोमेन प्रोवाइड करती है, इतनी छोटी छोटी एज में उनको बोलने का मतलब मौका देती है, उन्हें एक तरह से लग्जरी लाइफ मतलब प्रोवाइड करती है,
तो मतलब मैंने उस चीज़ को मतलब क्यूट करके आ गया कि मैंने बोला कि यार एक बार ट्राई दे लेता हूँ, क्योंकि मेरे दादा भी आर्मी में थे, तो मैंने सोचा कि यार कुछ करना ही है। वो चीज़ थी मेरे लिए बड़ी थी कि मैंने बोला कि यार हाँ करना चाहिए, बट मैंने बोला कि यार चल थोड़ी देर उसको साइड रखते हैं, अगर मेरे को नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं लास्ट आया हूँ आज मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी होने वाली मुझे पता है कि कौन कौन भर्ती होगा, मैं भी भर्ती हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, मुझे पता है कि हाँ अंदर से होनी चाहिए कि हाँ यार आगे है को हो जाएगा बंदा, तो मुझे भी पता है कि हाँ मैं भर्ती हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग भी की है, हर चीज़ की है मैंने ज़िंदगी में हर चीज़, क्योंकि दिल्ली वाले बंदे होते हैं उन्हें हर चीज़ आती है, ऐसा भी कह सकते हो हर चीज़ में मतलब वो नंबर वन ही होते हैं, बट कोई और फर्क भी नहीं है क्योंकि हाँ लास्ट आया हूँ, कि ज़िंदगी में अगर कोई लास्ट भी आया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ यार नीचे से तो पहला ही नंबर है क्योंकि ना अभी कुछ लोग होते हैं ना कि अभी मैंने अकेडमी में आके एक चीज़ भी देखी है कि कुछ लोग पैसे के लिए भी आए हैं, वो चीज़ मैंने देखी है, 2 साल में भर्रा लेने छाते हैं हमारे साइड में। हाँ सर मैं कह रहा हूँ क्या नाम है इनका, साहिल जी, इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, ये आपकी बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, हर बंदा नहीं सोच सकता कि मैं 2 साल में भरना लेके दिखाऊंगा, बट मैं ये चीज़ सोच रहा कि हम वहाँ जा चुके हैं, मैं पहले सोचता था कि एक फिल्म देखता था मैं आर्मी की, जो भी फिल्में देखता था मैं बोलता था यार क्या बात है यार कैसे बंदे मारते हैं, मैं तो खुश हो जाता था, बट बोले यार मेरे को भी करनी है आर्मी, मैंने 10th क्लास से आर्मी मतलब रनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, वहाँ पे मैं दौड़ता था जमुना पार्क का सुनी झील का सबसे बड़ा पार्क है मतलब वहाँ पे जमुना पार्क का, तो मैं वहाँ पे रनिंग करता था काफ़ी दूर दूर तक रनिंग करता था, मेरा भाई एक कज़न है वो कोस्ट गार्ड में है, तो मैं रनिंग करने उन्हीं के साथ जाता था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, तो मेरे को उठा के लेके डंडे मार के थे, कभी ठंडे ठंडे पानी से मेरे ऊपर डाल देते थे, चल तू आज चल, तो मतलब मैंने 10th क्लास से कर दी थी स्टार्टिंग, तो मतलब जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बोला यार कि मेरे को थोड़ी मतलब दिल्ली से तो मेरे को पता लगा कि मेरी हाइट भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हाइट भी नहीं होगी, तो मैंने बोला यार चल एक बार ट्राई मारते, मैं इतनी बड़ी चीज़ को लाइक मारती, मैंने बोला चल छोड़ यार अगर नहीं हुआ तो मैं चल उसको कर लूँगा कोई बात नहीं, तो मैंने चल करते हैं यार कुछ ज़िंदगी में हो जाए, फिर मैंने सोचा कि जब आया यहाँ पे तो पता लगा कि कुछ और ही सीन है कि मतलब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वही सर मैं पहले मतलब जून या जुलाई में मतलब आया था, मैं जून या जुलाई में पहले मैं गया लूना अकेडमी में, वहाँ पे मेरे को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे ये सब है, वहाँ का जो ग्राउंड टेस्ट था वो कंप्लीट कर दिया था मैंने, फिर लूना अकेडमी पापा बुडू में, तो वहाँ गया मैं, मैंने बोला कि देखते हैं वहाँ पे भी कर दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं जब बाहर आया तो वहाँ से पता लगा कि वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ सिस्टम है नहीं था, तो मैंने कुछ छोड़ देगा, क्योंकि मैंने बोला कि जिस टाइम में मैं भर्ती दूंगा उस टाइम पर ठंड बहुत होने वाली है, उन्होंने मैंने बोला मुझे वो चीज़ भी देखनी है, तो मैंने उस वजह से इस जगह को चुना कि मैंने बोला यार ये जगह ठीक है, फिर मैंने थोड़ा मैंने और ज़्यादा देखा, फिर जाके मैं वो भाई है ना नाम याद अरुण भाई का, नीचे शायद वहाँ पे जो है ना ग्राउंड सिंथेटिक नहीं नीचे चौराहा है वहाँ पे पोस्टर लगा होता है अकेडमी का, वहाँ पे वो कोचिंग करते हैं, तो वहाँ गया उनसे फिर मिला, उन्होंने बोला कि हाँ आपको ये सब चीज़ें होगी, तो फिर उस टाइम मैं दूसरे तीसरे दिन मैं भैया से मिला था, ठीक रहेंगे हर वो ठीक है, ऐसे करके मतलब इन तक पहुँच गया है, मंजिली थी वो लेके आ गई यहाँ तक, अब देखते हैं आगे क्या करना है, अभी आगे सोचा क्या आगे सर करना यही है, मेरे को पता है कि मेरे को हाँ बहुत सारी चीज़ें कि अभी मुझे पता है कि हम सब में से कोई ना कोई तो होगा ही नहीं, कुछ वो डीमोटिवेट हो जाते हैं यार मैंने पता नहीं क्या कर लिया जिंदगी का छोड़ दिया, तो मतलब कई कई होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो चीज़ आ रही होती है ना उसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, हर 10 में से 9 बंदे कुछ तो ऐसे बोलते आ रहा बढ़ क्या क्या कांड हुआ तू रात में घर गए तो पप्पे ने काम करा तो अपने जाके घर दादी के तू क्या मिलना दे जो ऐसे बोलते हैं सर है ना, तो वो चीज़ें ना डीमोटिवेट नहीं होना है, 10 में से 1 बंदा जो सही बोल रहा है ना उसको सुन लो बाकी को हटा दो, उन 9 बंदों को देखो कि उन्होंने खुद ज़िंदगी में क्या किया है, अगर कोई ऐसा बंदा हो 9 में से जो खुद कुछ बना है
फिर तो उसको फॉलो कर लो, फिर हम मना नहीं करेंगे। अगर वो नौ बंदे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनको डीमोटिवेशन उनका सुन लो, फिर उसको ये पूछ लो कि भाई तूने क्या कर लिया आज तक जिंदगी में, अगर कुछ किया है तो वो बता अपनी कहानी, हम भी उसको फॉलो कर लेते हैं। अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर ज्ञान मत बांटो, ज्ञान बांटने वाले और बड़े बैठे दुनिया में, हम भी आए ज्ञान बांटने आए हम भी। तो जो मोटिवेट कर रहा उसकी सुनो, डीमोटिवेशन वालों की पास फड़कना भी नहीं है, उनको दूर दूर से दौड़ा दो, ठीक है। अभी है मेरे पास टाइम, तो कहाँ मेरी 7:30 से 7:30 नीचे दी है और उससे मैं 6:45 से भी आगे ले आया, 6:40 तक ले आया और उससे भी कम कर लूँगा। वेरी गुड। फर्स्ट टाइम में टाइमिंग क्या थी? मेरी फर्स्ट टाइमिंग थी 7:25 शायद, उससे भी कम थी। अभी मेरी 6:40 थी जो ग्राउंड में हुई थी। थैंक सर। मेरा नाम श्री कुमार है सर, मैं कांगड़ा से हूँ। मेरा आर्मी में जाने का कोई सपना नहीं था, मैं जैसे प्लस टू की 2 साल घर में सोया रहा, कोई टेंशन नहीं। मेन ये था कि जब मैं मतलब सीज का टकटा था उस टाइम 64 kg मेरा वेट था, घर में बैठे रहना ऐसे ही बस मजे करने, इधर उधर जाना, शाम को वापस घर आना, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा तो ये गाँव वालों की वजह से, वो बोलते थे कि इतना सांड है, इतना मतलब हटा कट्टा है, कुछ करता क्यों नहीं, वो फिर वही उम्र पर बाप के पैसे पर मजे करेगा, वो बस उनकी उनसे सुन के नहीं यार मेरा कुछ करते हैं। मैं इधर आ गया फिर 4 महीने से यहाँ धर्मशाला में रहूँ, 2 महीने खुद रहने की, फिर लास्ट में देखा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, बस 100 मीटर जाना मजा हो रहा है, दौड़ना नहीं होता ऐसे, बस जाने खड़े रहना फिर बस आना है। उसके बाद मैंने ये देखा अकेडमी में, बड़े दिनों से देख रहा था लेकिन बस वही ना शौक ही था, बस ऐसे ही पड़ रहे देखा नहीं फिर सोचा कुछ करते हैं। उसके बाद नरेंद्र सर मिले, उनसे पूछा, उन्होंने आकर भी बोला सुबह से आ जाना, इतना मैं दौड़ नहीं पाता, मैं तो 100 मीटर नहीं दौड़ पड़ा था, अगर कोई गंदा निकल गया आगे उन्हें बैठा रहता है, जिससे फिर बैठ करो उनका वेट करना फिर वापस चले जाने का। तो उसके बाद एक बार सीन हुआ कि मैं दौड़ रहा था, फिर मेरे को 2 किलोमीटर दौड़ा था, उसमें सबसे लास्ट में था सर, आगे निकल गया पहले और पीछे, और पीछे मुड़कर देखा सर ने फिर, और मेरे को बोलते चल 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 बोले, मैं बोलता सर मैं तो रुकने वाला था, लेकिन सर ने देख लिया, फिर मेरे को डर था उसकी वजह से जाना पड़ा, फिर सर मिले बोलते चल चल मेरे साथ दौड़, मेरा स्टेप फॉलो कर, ये कर, मेरे से तो मैं तो नहीं दौड़ पाऊँगा सर, तो पक्का मारा ऐसे ही, सर ने मोटिवेट करते रहे ऐसे बोलते है, मेरा स्टेप फॉलो कर ऐसे कर, मतलब अपना जो भी था। तो मैं सर मैं आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पर 1600 की थी उस दिन, मतलब मेरे को विश्वास नहीं है, नहीं मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरा सोचता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। सर मेरे घर दायरी में, मैं यहीं से लोकल हूँ, मेरा भी पहले आर्मी में कोई ट्रेनिंग था, मैंने मतलब मैं बचपन से दौड़ता ऐसी बात नहीं है, पहले दौड़ता पर आर्मी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, फिर मैं दूसरों को देखता था, उनको पूछा मतलब आर्मी की, और फिर कुछ आइडिया था आर्मी के बारे में, मतलब आर्मी में जाना भर्ती देनी, फिर ड्रेस मेरे को सबसे बेस्ट लगी उसकी ड्रेस, मतलब मेरा तो ये क्रेज है ना, मतलब कि मेरे को जो ड्रेस पसंद आया ना, मतलब कि वो मेरे को चाहिए चाहिए। स्कूल में था मेरा NSS कैंप लगे, तो स्कूल में सर ने बोला कैंप था स्टेट का, उधर गाना मैंने सर लगाऊंगा, तो वो था संसाद, तो फिर वहाँ पे गया कैंप लगाया, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला स्टेट की, फिर आगे सेलेक्ट हुआ मैं तो सुन्नी गया, सुन्नी में जाके पता लगा इसकी भी ड्रेस मिलती है, तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर वहाँ भी सिलेक्शन थी, तो मैंने नहीं जो भी हो जाए मेरे को इस ड्रेस चाहिए थी, मैं इतना दूर आया तो अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पर भी वहाँ पे 35 जी थे, तो 32 हो गए थे और 3 की और छूट थी, तो मेरी तो अभी बाहर जानी थी, तो मैंने बोला अब मैंने होना ही है, और वेट के लिए था 40-30 की लड़की और थी, हमने अभी तो 3 की छूट थी, तो फिर मैंने भी ट्रायल किया, तो सर ने मेरे को बोला कि तेरा अभी स्टेप नहीं बन रहा है तो तू रह, मैंने ठीक है सर मैं हो गया, फिर बाद में मैं साइड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं चल स्टेप बनाता हूँ, तो सर ने मेरे को देखा, सर ने बोला दोबारा कर, फिर मैंने दोबारा किया, सर ने बोला हाँ चल तेरे को दोबारा मैं सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद मैं शिमला गया, शिमला जाकर मैंने ड्रेस ली, मेरे को ड्रेस वही अच्छी लगी, और मैं कॉलेज में कॉलेज में मेरे को NCC लगी पहले अच्छी, पर मेरे को NCC नहीं लगी, मैं जो भी ड्रेस अच्छी लगी स्काउट की, मैं स्काउट नहीं गया, तो मेरे को ड्रेस आर्मी की पसंद है, मैंने आर्मी में जाना है, और जो मेरे को जो चीज़ें आसानी से पसंद नहीं आती, पर जो आपके लिए मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसको पाकर रहने की, और जो सही बात है, मैं जब 9th में था तो मैं स्कूल की तरफ से दौड़ा था, तो एक लड़के ने मेरे को बोला था कि तेरा कुछ नहीं होगा तू नहीं दौड़ पाएगा, मेरा वेट भी ज़्यादा था, तो उसने मेरे को बोला कि तू दौड़ नहीं पाएगा,
तो मेरे को बात मेरे दिल में लगी, मैंने बोले ये क्या बोल दिया तूने, फिर वो बोलता कि तेल से कुछ नहीं होगा, तू मेरे को नहीं दो मेरे से, मेरे को हरा नहीं सकता, फिर मैंने कोई नहीं, मैं आज प्रैक्टिस की, सर ने मेरे को प्रैक्टिस आई है, पर आज मैं उसको कॉम्पिटिशन दे सकता हूँ, मेरा उसके साथ मिलने में आज उसको बोल सकता कि तेरे साथ कॉम्पिटिशन करूँ तो मैं उसको हरा के दिखाऊंगा आज, इतना मेरे में क्रेज है उसके, मतलब वो मेरे साथ दौड़ा भी है वैसे, पर उसको मैंने पीछे छोड़ा है, मैंने बोला कि आज देख लेते हैं आप कितना क्रेज है, तो सर यही है सर, और जो अकेडमी सर, अकेडमी सबसे अच्छी है, मेरे को सबसे बेस्ट लगी, इस अकेडमी के अलावा कोई अकेडमी हो ही नहीं सकती, इतनी बेस्ट है सर, सर ये इसमें मतलब मज़ा भी है, ट्रेनिंग भी है, रगड़ा भी है, सब कुछ है, और सबसे अच्छा गुरु कोई नहीं होगा इस अकेडमी में, मतलब मैं बोलूँ ना सबसे बेस्ट है सर, सर हमें मोटिवेशन इतना देते हैं आपकी, क्या बोलूँ सर, मतलब हम पीछे रह जाए ना तो सर ये नहीं बोलते कि मैं निकलता हूँ, सर बोलते आप निकलो पहले आगे, मैं पीछे रहता हूँ आपको मोटिवेट करते सर, हमें इतना ज़्यादा बस सर मेरी कमजोरी, मैं अकेडमी ज़्यादा नहीं आता ना सर, इसीलिए बोलते तो अकेडमी में ज़्यादा नहीं आता, बस यही है सर, थैंक यू सर। जैन सर, सर मेरा नाम प्रदेश ठाकुर है, सर मेरी फैमिली में सर माता पिता भाई भाई है और एक सिस्टर है, सर मेरा फ्रेंड सर कॉलेज में स्टडी करता है धर्मशाला में, तो सर उसने बताया कि धर्मशाला में एक अकेडमी है, तो मैंने वहाँ पर अब एक महीना भी हुआ है, तो सर अच्छा लग रहा है, वो सर मेरा एक ही सपना है कि मैं नाम लिखा, पापा का सपना है कि हम दोनों भाई के साथ।